दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू। छिंदवाड़ा विकास मॉडल तो तैयार हो गया मध्य प्रदेश में, लेकिन राघोगढ़ का कोई विकास मॉडल क्यों नहीं सामने आया कि राघोगढ़ में 10 साल एक सीएम रहा, दो बार से आप विधायक, तो वहां से भी कोई विकास मॉडल बना होगा जो एवोल्यूट होना चाहिए था। इंडस्ट्रीज है वहां पे, एनएफएल का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट पूरे मध्य प्रदेश में राघोगढ़ में है, गेल सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट पूरे देश में हमारे क्षेत्र में है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला डीपीएस पूरे मध्य प्रदेश में राघोगढ़ में खुला था? हमारे पास सीबीएसई स्कूल है, शायद इतने सीबीएसई स्कूल कोई नगरपालिका जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, हमारी आबादी कुल 60,000 है, लेकिन 60,000 की जनसंख्या में अगर 5 सीबीएसई स्कूल हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जेपी की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, शुगर फैक्ट्री है, हमारे पास लगभग 3 बड़े डैम हैं जिसमें अधिकतर किसान को सिंचाई की पूरी व्यवस्था मिल रही है, IOC का बॉटलिंग प्लांट है वहाँ पर, हमने एक मेरे कार्यकाल में हमने एक अमेरिकन NGO के साथ टाइप करके हमने एक वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है बीच जंगल में। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन क्या है कि आज के समय हम जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसको पिच कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के हैं। आपने नेहरू जी का नाम लिया, ट्रोलर्स की नज़र में नेहरू जी सबसे पहले होते हैं और दूसरे नंबर पर दिग्विजय सिंह जी होते हैं, तो वो जब ट्रोलर्स मूव करते हैं, उनके अटैक करते हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह जी भी निशाने पर आते होंगे। कभी आपको असहज महसूस हुए कभी कि वो जो ट्रोलर्स का शिकार हुए होंगे? कभी नहीं। असल में क्या है, ट्रोलर्स उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनसे उनको खतरा है, और दूसरी बात ट्रोलर वही बनेगा जो फालतू बैठा है। अब जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पे है, खुद के लिए और परिवार के लिए मेहनत करके कमा रहा है, अच्छी व्यवस्था दे रहा है परिवार को, तो वो कभी ट्रोलिंग पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ठीक है ट्रोलिंग बहुत ही नकारात्मक चीज़ है। और वो व्यक्ति एक ट्रोलिंग करेगा जिसके मन में नफरत फैली है, तो और उल्टा तो मैं जब किसी ऐसे ट्रोलर को देखता भी हूँ या उनके मैसेज पढ़ता हूँ तो उन पर दया आती है कि मतलब उनका, और उनको तो पूजा पाठ करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान करे, योगा करे, जिनसे उनका मन शांत हो। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, जो किसी को बेफजूल गालियां दे रहा है, उससे उसको क्या लाभ मिलेगा, और वो भी छुप के इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो मुझे तो मैं दया आती है। और ना तो उनसे कुछ अंतर पड़ रहा है, आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, ट्रोलिंग से सिर्फ जो ट्रोलर है उसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है लेकिन उससे कुछ बात बनती नहीं है। हम निजी जाति जिंदगी की बात करें तो सबसे खुशी का मोमेंट कौन सा था पूरी जिंदगी में अभी तक का? शायद जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, वो अभी 2.5 साल का है, 3 साल का होने वाला है, और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि जब रावगढ़ में 3 पीढ़ियां एक साथ रही हैं, तो वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि आज हमें ऐसा अवसर देखने को मिला है। और मेरे लिए परिवार की एक बहुत ही बड़ी हमेशा ही महत्व रहता है, और आगे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब तो बहुत कम समय मिलता है परिवार के साथ क्योंकि इतना बड़ा दायित्व मिला है, तो अधिकतर समय जनता के लिए समर्पित करना होता है, लेकिन जब भी कुछ पल मिल जाते हैं तो मैं मेरी वाइफ और बेटे के साथ ही बिताता हूँ। एक ऐसा कोई क्षण आया होगा जब लगा होगा कि पूरी दुनिया सामने काला हो गई है, पूरा अंधेरा छा गया है, अब आगे कुछ भी मूवमेंट नहीं है? नहीं, ऐसे हर व्यक्ति के सामने ऐसे पल आते हैं। जब मैंने मेरी माँ को, मेरी बहन को खोया था, तो आवश्यक तौर पे हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही एक अफसोस का समय था और दुख का समय था, लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ही आपका असली चरित्र सामने आता है। तो ऐसी कठिनाइयों का सामना करना कोई भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रहता है, और सामना करके और उसके बाद फिर आगे हम कैसे बढ़ें, अगर वो हम कर पाते हैं तो फिर हम आगे काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। घर में सबसे करीब कौन है, चाचा, पापा या बहन? हम सब एक दिल के करीब होता है, जिसको आप अपने दिल की बात चुपचाप जाके शेयर कर देते हैं, ऐसा 3 में से कौन है? हम सब बहुत ही निकट हैं, लेकिन शायद मेरी वाइफ के मैं सबसे करीब हूँ, क्योंकि आखिर वही एक जीवन साथी रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो भी मैं आज हूँ
मेरे माँ और पिता के कारण हूँ। जो मेरी बड़ी बहनें हैं सब मेरे हम सब एक दोस्त के जैसे रहते हैं हमेशा, और लगातार प्रतिदिन या एक दूसरे से हम बात भी करते हैं। सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं जो लगभग मेरे उम्र के ही थोड़े से कम उम्र के हैं, लेकिन हम सब भी बहुत निकट हैं। और पूरा परिवार हमेशा, मेरे काका से मेरी बहुत बातचीत होती है, उनके उनके जो बेटे हैं और मेरे में 2-3 साल का अंतर है, हम बहुत निकट हैं, तो पूरा परिवार हमेशा एक रहता है। और जब भी हम रावगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में, भोपाल में भी, तो हमेशा मिलना होता है। एक बात बाहर बाजार में कही जाती है कि जो राघोगढ़ का परिवार था वो बिखर रहा था, दिग्विजय सिंह जी का परिवार बिखरते बिखरते उसको जोड़ने का काम जयवर्धन ने किया, जयवर्धन ने उस पूरे परिवार को जोड़ने का काम किया। ये मुझे पता नहीं, काफ़ी बार तो चर्चाएं ऐसी सामने आ जाती हैं, लेकिन हमारा परिवार कभी बिखरा नहीं, हमेशा एक रहा है। और असल में हर व्यक्ति का जब वो एक अडल्ट बन जाते हैं तो खुद की ज़िंदगी होती है, और क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं राजनीति में हैं, मेरे अंकल भी है, फादर भी, और मैं भी हूँ, तो हम सब बहुत समय बिताते हैं जनता के बीच, और कहीं ना कहीं हर दिन कोई और जगह, कोई और गाँव में, कोई और शहर में रहते हैं, तो इसलिए शायद हम इतना दिख नहीं पाते साथ में, लेकिन मन से और आत्मा से 24 घंटे साथ रहते हैं। एक जब सबसे पहली बार सीएम बने थे दिग्विजय सिंह जी, तब आपको कैसे पता चला था और क्या मूवमेंट था वो, और कितना समझ में आया था कि सीएम होना क्या होता है? जी, मैं 6 साल का था, 93 की बात है, सॉरी 7 साल का था, और उसी समय मेरी जो दूसरी बहन है उनकी शादी भी थी, और हम सब वहीं दिल्ली में थे, और अचानक मैंने देखा कि मेरी बहनें और सभी फैमिली बहुत खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा दादा सीएम बन गए। तो उस समय मुझे सीएम का अर्थ नहीं पता था कि सीएम क्या होता है, मैं भी बहुत खुश हो गया कि जो सीएम बन गए, और लगभग जो उनका पूरा कार्यकाल था 10 साल का, वही मेरे 10 साल बोर्डिंग स्कूल के थे। मैं 9 साल का था जब मेरे माता पिता ने मुझे देहरादून मसूरी भेजा था बोर्डिंग स्कूल के लिए, और लगभग जब 2003 में सरकार गिरी उसी के बाद मैंने 2004 में मेरा बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे, मैं वापस दिल्ली आया था उसके बाद, तो पूरे उनके 10 साल मेरे बाहर बीते। लेकिन बहुत करीबी से देखा कि उनने जो मेहनत की उन 10 साल, वो रात को 2-3 बजे तक लोगों से मिलते थे और फिर सुबह वापस 5 बजे उठकर जनता के बीच जाते थे, तो उनने वो 10 साल लगातार बहुत मेहनत। दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू।